नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राठौर सर ऑनलाइन क्लासेस पे। आज हम आपके सामने एडजेक्टिव का पार्ट 9 लेकर आए हैं, कंपाउंड एडजेक्टिव। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके ऑलरेडी 8 वीडियोस हमने अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट पे जाकर, एडजेक्टिव के नाम से प्लेलिस्ट है, उस पे जाके आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और 10 बच्चों को आपको इस वीडियो को शेयर करना है। तो ये एक तरह से आप गुरु दक्षिणा समझ लीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आप किसी इस वीडियो को शेयर करते हैं तो ऊपर वाला आपकी केयर करता है, और अगर आपके अंदर नॉलेज है, आपको किसी चीज़ का ज्ञान है, अगर आप दूसरों तक पहुंचाते हैं तो इससे बड़े पुण्य का काम कोई नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो हमारा एडजेक्टिव है वो है कंपाउंड एडजेक्टिव। देखिए, कंपाउंड का मतलब होता है, कंपाउंड का मतलब होता है जो एक से अधिक चीज़ों से बना हुआ होता है उसे कंपाउंड कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा साइंस में भी कंपाउंड होते हैं, कंपाउंड और मिक्सचर्स वगैरह होते हैं, उसी तरह हमारी ग्रामर में भी कंपाउंड होते हैं। यानी कि वे शब्द जो एक से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम कंपाउंड, जैसे ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर दो शब्दों से मिलकर बना है, ग्रैंड और फादर, ठीक है। तो उसी तरह जैसे मदर इन लॉ, तो तीन शब्दों से मिला है, मदर इन लॉ। तो इस प्रकार के शब्दों को हम कंपाउंड कहते हैं, और जब कोई एडजेक्टिव कंपाउंड में होता है तो उसे हम कंपाउंड एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि व्हेन कंपाउंड नाउन और कंबाइंड वर्ड्स मॉडिफाई अदर्स नाउन, यानी कि जब कंपाउंड किए हुए नाउन या कंबाइंड किए हुए नाउन किसी नाउन को मॉडिफाई करें, यानी कि वो पहले से क्या होने चाहिए, कंपाउंड होने चाहिए, और वो किसी नाउन को क्या करें, मॉडिफाई करें या उसकी विशेषता बताएं, यानी कि ऐसे कंपाउंड शब्द जो किसी नाउन की विशेषता बताते हैं, दे बिकेम कंपाउंड एडजेक्टिव। तो वो क्या बन जाते हैं, कंपाउंड एडजेक्टिव बन जाते हैं। जैसे आपको मैं एग्जांपल से बताता हूँ, सो दिस टाइप ऑफ एडजेक्टिव यूजली कंबाइन मोर देन वन वर्ड, कि इस प्रकार के जो एडजेक्टिव होते हैं अक्सर उनमें एक से अधिक शब्द होते हैं इनटू ए सिंगल लेक्सिकल यूनिट, लेकिन वो मिलकर एक अटूट एक ऐसी यूनिट का काम करते हैं एंड मॉडिफाई ए नाउन, और फिर वो क्या करते हैं, एक नाउन को मॉडिफाइड करते हैं। जैसे दे आर ऑफन सेपरेटेड बाई ए हाइफन, और उनके बीच में हाइफन लगा के, हाइफन क्या होता है आपने देखा होगा ना, जिसको डैश बोलते हैं। जैसे अपन सपोज अपन को लिखना है ना सन इन लॉ, तो ये लिखा सन, लिखा फिर डैश लगाया, फिर इन लिखा, और फिर डैश लगाया, फिर हमने क्या लिखा, ला। तो ये जो डैश जो लगा हुआ है इसे ही हाइफन कहा जाता है। तो या तो ये एक हाइफन से लिखाया जाता है, या फिर ये जॉइंट टुगेदर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं बाय एक कोटेशन मार्क से वो जुड़े हुए होते हैं। तो इस प्रकार के वर्ड्स को कंपाउंड वर्ड कहा जाता है। जैसे कि देखिए कुछ एग्जाम्पल देखिए, आई हैव ए ब्रोकन डाउन सोफा, मेरे पास एक टूटा फूटा सोफा है। तो यहाँ पे देखिए एक तो वर्ड है हमारा ब्रोकन, एक हमारा वर्ड है डाउन, इनको एक हाइफन से जोड़ा गया है, तो ये पूरा एक वर्ड बढ़ गया ब्रोकन डाउन। तो ये किस प्रकार का नाउन हो गया, कंपाउंड नाउन हो गया। अब ये कंपाउंड जो वो है, ये एक कंपाउंड एडजेक्टिव है, क्योंकि ये सोफा है, सोफा से पहले ब्रोकन डाउन आया हुआ है। ना ब्रोकन को आप अलग करके लिखा सकते हो, ना डाउन को अलग करके दिखा सकते हो, यहाँ पे ब्रोकन डाउन एक ही शब्द का काम कर रहा है, यानी कंपाउंड वर्ड का काम कर रहा है, तो यहाँ पे ये एक एडजेक्टिव है। आगे देखिए, आयशा 6 फुट लॉन्ग थे, मैंने एक 6 फुटा लंबा सांप देखा। अब देखिए यहाँ पे 6 फुट लॉन्ग एक यूनिट बन गई, 6 फुट लंबाई एक यूनिट बन गई, जिसने इस स्नेक नाम के नाउन को क्या किया, मॉडिफाइड, इसलिए ये एक हमारा कंपाउंड नाउन है। ही गेव मी एन आई एम गोना किल यू नाउ लुक। अब देखिए कितनी मजेदार बात है, उसने मुझे, मैं तुम्हें मार डालूंगा वाली लुक दी। अब यहां पे देखिए, यहां पे इन्वर्टेड कोमा का यूज करके ये पूरा एक सेंटेंस ही कंपाउंड एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यानी कि लुक कैसे, ही गेव मी आई एम गोना किल यू नाउ लुक, उसने मुझे देखकर मैं तुम्हें मार डालूंगी वाला लुक दिया, मैं तुम्हें मार डालूंगा वाला लुक दिया। यहां पे देखिए, यहां पे इन्वर्टेड कोमा का यूज करके हमने आई एम गोना किल यू नाउ इस पूरे वाक्य को ही हमने कंपाउंड एडजेक्टिव बना दिया। तो यहां पे एक पूरा सेंटेंस है, लेकिन फिर भी ये एक कंपाउंड एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि देखिए लुक कैसा, मैं तुम्हें मार डालूंगा वाला लुक।
ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि जो कंपाउंड एडजेक्टिव के रूप में अगर हम इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करते हैं तो पूरे का पूरा सेंटेंस भी हम यूज़ कर सकते हैं। आगे देखिए, इसी के साथ ये जो हमारे वीडियो वो समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और एडजेक्टिव लेकर आएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। 10 लोगों को शेयर करना ना भूलें।